नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा का हिंदी विषय NRB विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके 6 फरवरी यहां पे वार गुरुवार को आने का चांस है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस पेपर के टोटल मार्क्स हैं वो 50 हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में पेपर का पहला प्रश्न। दोस्तों, आपको पहला प्रश्न दिया गया है संक्षेपण करना, यानी कि आपको नोट बनाना है। यहाँ पे एक नोट बनाना है, ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसका एक नोट बनाना है। दोस्तों, पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद दें, या जो हमारे पास नहीं है उसके लिए शिकायत करें। मर्जी है आपकी, जो चाहे करें, शिकायत करें चाहे धन्यवाद दें अथवा प्रशंसा करें, किंतु इतना अवश्य जान लें कि दोनों ही दिशाओं में जमीन आसमान का अंतर है। शिकायत करने वाले मन धीरे धीरे उदास, मलान, निर्जीव, बोझिल और रोगी होने लगता है। वह पशु हो जाता है, उसमें क्रियाशीलता नहीं रहती, उसमें ताजगी नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत धन्यवाद देने वाले मन धीरे धीरे आशा और विश्वास से प्रफुल्ल हो उठता है, इसमें गतिशीलता और दूसरों के प्रति आत्मी बढ़ती है। यानी कि ये जो हमारे पास में एक पैराग्राफ है, ये हमें एक प्रकार का संदेश ये देना चाहता है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही हमें छोटी छोटी बातों पर शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति हमें मदद करता है तो उसे हमें धन्यवाद देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा मन होता है वो खुशी से झूम उठता है और साथ ही साथ हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। दोस्तों, आगे हमारे पास में आपको इतना ही लिखना है, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया गया है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि संक्षेपण का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको, और आपको मैंने जो लाइनें बताई है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। दोस्तों, आपको मैं साथ साथ में उत्तर बताना चाहूँगा। दोस्तों, दूसरा भावार्थ लिखना है आपको। रही मन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। इसका मतलब ये है कि रहीम जी कहना चाहते हैं कि वे मनुष्य मर चुके हैं, वे आदमी मर चुके हैं जो कहीं मांगने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो भीखने मांगने जाते हैं लोग किन्हीं के घरों पर, देखो किन्हीं के घरों पर लोग भीखने मांगने जाते हैं, वो आदमी मर चुके हैं, रहीम कह रहे हैं, ठीक है। उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही, और उनसे पहले वो मर चुके हैं जो अपने घर में उनको निकाल देते हैं कि आपको हम भीख नहीं दे सकते, है ना। उनसे पहले वे मर चुके हैं। देखो, रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि वे आदमी तो मर ही चुके हैं जो भीख लेने जाते हैं, लेकिन उन आदमियों से पहले वो मर चुके हैं जो भीख नहीं देते। आई बात समझ में। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न है, गोरा कौन थी, ठीक है। गोरा के संबंध में महादेवी वर्मा के विचारों को प्रस्तुत करें। तो गोरा एक प्रकार की गाय की एक बछड़ा थी, ठीक है, जो कि क्या थी, जो कि महादेवी वर्मा जो लेखक है उसकी बहुत ही प्यारी थी, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। और मतलब वो बहुत ज़्यादा दूध देती थी, उससे लाड़ प्यार करती थी महादेवी वर्मा जी से। तो गोरा जी की क्या था कि जो उसकी डॉक्टर थे, ठीक है, डॉक्टर थे, अब वो डॉक्टर क्या थे, उन्होंने क्या किया, उनके जो पड़ोस में डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया कि उसको सुई खिला दी, ठीक है, सुई खिला के उसको मार दिया गोरा को। अब वो क्यों मरा, क्योंकि उनको चिढ़ थी कि ये गोरा इतना दूध क्यों देती है, हमारी गाय इतना दूध नहीं दे पाती। तो गोरा को उनकी चिढ़ हो गई, इस चिढ़ की वजह से मतलब उसको मार दिया। तो महादेवी वर्मा लास्ट में ये कहती है कि इस बेचारी मतलब कि ना बोलने वाली गाय ने आपका क्या बिगाड़ा था। तो इस प्रकार से संदेश देती है गोरा, मतलब गोरा कविता एक प्रकार की, उसमें महादेवी वर्मा जी संदेश देती है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट करें। तो दोस्तों, आंख दिखाने का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। बात समझ में आई। तो मम्मी ने आप पर आंख दिखाई, पापा ने आप पर आंख दिखाई, ये वाक्य बन सकता है। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के मॉडल पर पाने के लिए आज ही विजिट करें rklr.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा होना। ग है, कानों पर जू तक ना रेंगना, यानी कि कोई बात फर्क ना पड़ना। दोस्तों, आगे घी के दिए जलाना, मतलब कि खुशी से झूम उठना। जब श्री राम 14 वर्ष पूरे करके आए थे वनवास से, जब अयोध्या लौटे थे तब अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। उसी के साथ में पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगने का मतलब यह है कि मम्मी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उन्हें कहते हैं भक्त। क्या कहते हैं, भक्त। ख है, जो सब कुछ जानते हों, उन्हें क्या कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं दोस्तों, जिज्ञासु। आगे हैं, जिसके चार पैर हैं उसे कहते हैं चारपाई। क्या कहते हैं, चारपाई, ठीक है। हमारे पास में ग है यहाँ पे,
नगर में रहने वाला उसे कहते हैं शहरी, क्या कहते हैं? शहरी। और ड़ है देखने योग्य यानी कि दर्शनीय, क्या कहेंगे? दर्शनीय। क्या कहेंगे? दर्शनीय। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक वाक्य को एक शब्द में लिखा है। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को लिंग बताना है इनका। तो कोशिश का लिंग बताइए, चादर का लिंग बताइए, पानी का लिंग बताइए, हरीरा का लिंग बताइए, दही का लिंग बताइए। उसके बाद में सातवां प्रश्न पर्यायवाची शब्द है, स्वर्ग का क्या होगा? स्वर्ग का होगा हमारे पास में जन्नत। क्या होगा? जन्नत। ठीक है, रात का क्या होगा? रात्रि। पुष्प का क्या होगा? फूल। पक्षी का क्या होगा हमारे पास में? खग। और घोड़ा का क्या होगा? अश्व। आई बात समझ में? आगे आठवां और अंतिम प्रश्न है हमारे पास में, इसमें आपको एक प्रकार का निबंध लिखना है। आई बात समझ में? निबंध महात्मा गांधी, महिला आरक्षण, कंप्यूटर आज की जरूरत, वसंत ऋतु, दहेज प्रथा। तो दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसका महत्व, फिर उसकी हानि और लास्ट में उपसंहार। इस प्रकार से आपको एक प्रकार का पूरा क्या लिखना है? निबंध लिखना है, जो कि 10 नंबर का है, यानी कि दो या तीन पेज आपको भर के आने हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया NRB हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स से उनके आने का चांस है। दोस्तों जो मैंने आपको बताया है ये आपके 6 फरवरी गुरुवार को आने का चांस है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कल पेपर देने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आगे एडवर्टाइज दिया गया है वो भी जरूर देखना। तो स्टूडेंट्स यदि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए डाउट नट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर, वहाँ पर अपने प्रश्न का फोटो भेजिए, तुरंत ही आपको उस प्रश्न का उत्तर हल सहित वीडियो द्वारा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।